है अब तो हम वीडियोस भी देखते हैं ना तो फील ऐसे ही होता है कि भाई और है ही कुछ नहीं, जैसा कि भाई अब देख ले ऊपर से पीएम मोदी ने जैसे भाई गिनवा दिया ये चीज और भाई देख ले कि भाई ऐसा प्राइम मिनिस्टर है या मतलब इंडियन गवर्नमेंट है या इंडिया है भाई कि उन्होंने सिर्फ 75 दिनों में इतने सारे प्रोजेक्ट स्टार्ट और भाई एंड किए, इफ्तिताह किया और भाई नई से नई चीज लेकर आए सिर्फ 75 दिनों में। स्वागत है आप सभी का लेटेस्ट रिएक्शन मिक्स के एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्पीच दी थी और उसमें उन्होंने जो 2023 के 75 दिन हुए हैं उसमें क्या क्या इंडिया ने अचीव किया है उसके ऊपर मोदी जी बता रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज का मिक्स रिएक्शन। 2023 के 75 दिन हुए हैं, मैं 75 डेज की बात आज कर रहा था। इन 75 दिनों में देश का ऐतिहासिक ग्रीन बजट आया। इन 75 दिनों में कर्नाटका के शिवमोगा में एयरपोर्ट का लोकार्पण हुआ। इन 75 दिनों में मुंबई में मेट्रो रेल का अगला फेज शुरू हुआ। इन 75 दिनों में देश में दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज चला। बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेस वे शुरू हुआ। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे का एक सेक्शन शुरू किया गया। मुंबई से विशाखापट्टनम से वंदे भारत ट्रेन चलनी शुरू हुई। आईआईटी धारवाड के परमानेंट कैंपस का लोकार्पण हुआ। भारत ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के 21 द्वीपों को परम वीर चक्र विजेताओं के नाम किया। साथियों, इन 75 दिनों में ही भारत ने पेट्रोल में 20% इथेनॉल की ब्रांडिंग करके E20 फ्यूल लॉन्च किया। इन 75 दिनों में ही तुमकुरु में एशिया की सबसे बड़ी आधुनिक हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का लोकार्पण हुआ। एयर इंडिया ने सबसे बड़ा ऑर्डर दिया, एविएशन ऑर्डर दिया। इन 75 दिनों में ही भारत ने ई संजीवनी के माध्यम से 10 करोड़ टेली कंसल्टेशन का मुकाम हासिल किया। इन 75 दिनों में ही भारत ने 8 करोड़ नए टैप वाटर कनेक्शन देने का काम हासिल किया। इन 75 दिनों में यूपी उत्तराखंड में रेल नेटवर्क के 100% इलेक्ट्रिफिकेशन का काम पूरा हुआ है। लो भाई, साथियों, इन 75 दिनों में कुनो नेशनल पार्क में 12 चीताओं का नया बैच आया है। भारतीय महिला टीम ने अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता है। इन 75 दिनों में देश को 2 अवसर जीतने की खुशी मिली। अभी अभी साथ में इन 75 दिनों में हजारों विदेशी डिप्लोमेट्स और विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधि G20 की बैठकों में हिस्सा लेने के लिए भारत आए। इन 75 दिनों में G20 की 28 अहम बैठक हुई है, यानी हर तीसरे दिन बैठक। इसी दौरान एनर्जी समिट हुई, आज ही ग्लोबल मिलेट्स कॉन्फ्रेंस हुई है, बहुत कुछ हो रहा है। बेंगलुरु में हुए एयर इंडिया में हिस्सा लेने के लिए 100 से ज्यादा देश आए। इन 75 दिनों में ही सिंगापुर के साथ यूपीआई लिंकेज की शुरुआत हुई। इन 75 दिनों में ही तुर्की की मदद के लिए भारत अब से कुछ घंटे पहले ही भारत बांग्लादेश गैस पाइपलाइन का लोकार्पण हुआ। ये 75 दिनों की ही इतनी लंबी लिस्ट है कि समय कम पड़ जाए। हाय जी मोदी साहब जी, ये बात भारी है। उनके माइंड में देखिए कितने सारे पॉइंट्स थे, मतलब इतने सारी वो एक 75 में ये किया, 75 डेज के अंदर, ये 75 डेज में ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, वो लिस्ट ही उनका कांग्रेस ने कि 75 इयर्स में करेंगे। 75 डेज में जो लिस्ट थी उनको बाय हार्ट है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। ये इंडिया टुडे कॉन्क्लेव का छोटा सा एक हिस्सा था पीएम मोदी ने जो वहाँ पे स्पीच दी थी। तो उन 8 मिनट में मोदी जी जो इंडिया ने इस साल 2023 में जो अचीव किया है 75 डेज में उसका वो हिसाब दे रहे थे। कुछ जो अचीवमेंट्स हमने पास में किए थे उसका भी जिक्र किया था, लेकिन उनका मेन फोकस जो 75 दिनों में इस साल हुआ है उस पे ही था। और ये 75 दिन
पूरे 3 महीने भी नहीं है और उस 75 दिन में ही इतने सारे प्रोजेक्ट्स या तो शुरू होने वाला है, कंप्लीट हो गए हैं या उसकी डील्स हो गई है, तो बहुत ही बड़ी बात है कि इतने सारे प्रोजेक्ट इंडिया जैसे देश में अचीव करना, क्योंकि अगर आप 10 साल पहले की सोचे तो ऐसा शायद मुमकिन लगता नहीं था, लेकिन अब तो हर रोज़ कोई ना कोई प्रोजेक्ट्स की खबर आती ही रहती है और जिस तरह से डेवलपमेंट हो रही है सभी सेक्टर में, तो ये तो सरप्राइजिंग नहीं है कि इतनी सारी अचीवमेंट्स सिर्फ 75 दिन में ही हुई है। और जो एयर इंडिया ने जो बोइंग और या बोइंग के साथ जो प्लेन के लिए ऑर्डर दिए है वो भी एक बहुत ही हिस्टोरिक है, क्योंकि आज तक किसी भी एयरलाइन ने इतना बड़ा ऑर्डर नहीं दिया है। और जो इतने सारे मेट्रोज और रेलवे स्टेशन जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, तो बहुत ही तेज़ी से सभी सेक्टर में काम हो रहा है। तो आपके क्या विचार है वो हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए।